महापौर पार्षदों की शपथ के बाद अब राजधानी भोपाल में नगर निगम अध्यक्ष को लेकर रायशुमारी शुरू हो गई है। सोमवार को होने वाले नगर निगम परिषद अध्यक्ष चयन को लेकर भाजपा पार्षदों की रायशुमारी राज्यसभा सांसद कविता पारीदार के नेतृत्व में जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित की गई। नगर निगम अध्यक्ष के लिए हुई रायशुमारी में महापौर मालती राय, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत 58 पार्षद मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार ने सभी 58 पार्षदों से उनकी पसंद पूछकर चर्चा की। नगर निगम अध्यक्ष के चयन को लेकर शहर में विधायकों और अन्य नेताओं से भी चर्चा की गई। वहीं संघ के पदाधिकारियों से भी इस बारे में भी अनौपचारिक चर्चा होने की जानकारी है। परिषद अध्यक्ष के लिए किशन सूर्यवंशी, रविन्द्र यति, देवेंद्र भार्गव, राजेश हिंगोरानी और सूर्यकांत गुप्ता को दावेदार माना जा रहा है। भाजपा में एक चर्चा ये भी है कि परिषद अध्यक्ष उस विधानसभा क्षेत्र से बनाया जाएगा जहां से पार्टी पिछला चुनाव हारी थी। महापौर मालती राय ने सोमवार दोपहर तक अध्यक्ष का नाम क्लियर होने की बात कही है। जी हम शपथ तो हो गई, अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा मंथन भी हो रही पार्षदों में। अध्यक्ष का जो चुनाव है कल 3 बजे है और निश्चित ही कल 3 बजे के पहले आपके नाम आपके सामने नाम आ जाएगा। महापौर भी महिला नेता प्रतिपक्ष में महिला माने, अध्यक्ष भी महिला होने वाली, वो संगठन तय करेगा और आपके सामने कल 3 बजे के पहले नाम आ जाएगा। MIC का गठन भी है अभी, वो तो टाइम है। MIC के जिला कार्यालय में, हाँ जिला कार्यालय में बैठक हुई थी, कल शपथ हुई है। शपथ के बाद सारे पार्षदों को बुलाकर कि अब आप विधिवत रूप से पार्षद बन गए हैं, प्रोटोकॉल के तहत आपको किस तरह से कार्यशैली नगर निगम की करना है उसके संबंध में चर्चा हुई थी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।